हेलो गाइस वेलकम होम राजधानी फाउंडा मैं महेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूँ राजधानी परिवार में आज हम बात करेंगे पेपर सॉल्यूशन आपका आज जो संडे को आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ है पेपर सॉल्यूशन उसका हम करने वाले हैं आज सभी आ जाइए बेटा यस yes. जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा सभी गुड इवनिंग सभी को राजधानी आ जाइए सभी फिर स्टार्ट करते बेटा है ठीक है आज आपका मॉर्निंग में पेपर हुआ था बेटा ये ठीक है जिसमें से केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस थे 41 से 80 तक वो आप पेपर निकाल लीजिएगा है ना? और उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं आज ठीक है बेटा ओके शुरू करें सेशन को चलिए तो ओके ओके ओके, ओके बेटा गुड इवनिंग सभी को हमारे साथ में काफ़ी सारी जनता जुड़ चुकी हैं सभी गुड इवनिंग बेटा हमारे साथ में हैं कुलदीप एकता चेतराम विशाल रोहित जे धर्मवीर हितेश साहिल कुलदीप बेटा सभी को जय राजधानी चलिए शुरू करें सेशन को। सभी गुड इवनिंग बेटा ओके बेटा चलिए तो देखिए सेशन हाँ इसका आंसर आपको सॉल्यूशन यही मिलेगा बेटा यही मिलेगा आपको यही देखना होगा पूरा सॉल्यूशंस। ओके लाइव चलिए अगर कोई बच्चे ने कर कोर्स ज्वाइन अभी तक भी नहीं किया वो कर सकता है आपके पास अंतिम मौका है आपका जो अगला नेक्स्ट बेच है सेवंथ नंबर बेच है वो सेवंथ नंबर बेच स्टार्ट होने वाला है कल मंडे को मॉर्निंग में आप चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सभी के सेपरेट बेचेज है तो आप मॉर्निंग में आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो एडमिशन ले सकते हो अगर आप भी चाहिए आपको भी चाहिए सिलेक्शन श्योर तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में किसी भी बेच में ज्वाइन कर सकते हो और जो होगा क्रेस कोर्स सी यू के लिए ठीक है आई सी आर जो एक एग्जाम होता है दोनों का कमाइंड में और जेड के लिए ठीक है इसमें ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन आपको फ्री मिलने वाला है तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी आप ऑनलाइन भी ले सकते हो ये बेचे जो चलेंगे राजधानी फाउंडा की अलग अलग ब्रांचेज में चलने वाले हैं ये पचकोड़िया वाया जोबनेर जयपुर में भी चलेंगे जहाँ से आप इंक्वायरी इस नंबर से कर सकते हो और बेकनी पुलिया यूनिवर्सिटी रोड पे भी अपनी ब्रांच है वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो जहाँ आपसे पास में पड़े वहाँ ज्वाइन कर सकते हो ये इंक्वायरी नंबर है वहाँ के और अगर आप पास में हो कोटा से जहाँ से क्लास अभी लाइव चल रही है वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को इसके लिए इंक्वायरी नंबर आपके सामने है इस पर भी आप बात कर सकते हो बेटा ठीक है बेटा ये आपके लिए क्या है न्यूज है जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए क्रेश कोर्स होगा अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया कोई रिलेटिव आपका है तो वो ज्वाइन कर सकता है वो इस कम आ रही है बेटा ऐसे कैसे रही है हाँ वो तो कैसे जाएगी बेटा इस कम कैसे आ रही बेटा मैं तो कंप्लीट सही बोल रहा हूं बेटा नमस्ते बेटा नमस्ते सभी को नमस्ते बेटा नहीं आ ना सही आ रही आवाज देखे चेक कीजिएगा आप और भाई तुम्हारा और कोई छोटा भाई है जिन्होंने भी इस साल में टेंथ का एग्ज़ाम दिया है बेटा किसी ने भी टेंथ का एग्जाम दिया है वो बच्चे उन बच्चों के लिए बम्पर ऑफर है क्या ऑफर है उनके लिए एक एग्जाम एक होने वाला है आर एस डी एस ए टी जिसे कहते हैं साइंस धारा राजधानी साइंस धारा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होगा इससे आप एडमिशन भी ले सकते हो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इसके अलावा आप पेपर कब दोगे पंद्रह अप्रैल अगले मंडे को पेपर लगेगा इसका ठीक है जिन्होंने इस साल टेंथ का एग्ज़ाम दिया है एग्जाम सेंटर आपका रहेगा राजधानी साइंस दारा कैंपस पचकोड़िया या जोबनेर जयपुर रहेगा इसके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसमें आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इस नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना होगा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है यहाँ पे इस नंबर पे आप इंक्वायरी करोगे तो रजिस्ट्रेशन होगा फॉर्म भरना जरूरी है फॉर्म भरोगे तब आप एग्जाम दे पाओगे इसके लिए आपके प्राइस जो मिलेंगे इस एग्जाम में देने वालों को तो उसके लिए फर्स्ट प्राइज वालों को बाइक मिलेगी सेकेंड उससे नेक्स्ट विद्यार्थियों को पांच विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप मिलेगा उससे नेक्स्ट विद्यार्थियों को आपको पांच विद्यार्थियों को मोबाइल्स मिलेंगे और उससे दो विद्यार्थियों को अगले विद्यार्थियों को क्या मिलेगा दो सौ टी शर्ट मिलेगी इस एग्जाम के थ्रू आप नीट जे ई के बच ज्वाइन कर सकते हो इलेवन ट्वेल्थ फाउंडेशन कर सकते हो टारगेट बेच ज्वाइन कर सकते हो जेट आई के बेच ज्वाइन कर सकते हो जो बाईस अप्रैल से चलेंगे बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए अलग अलग सेपरेट बेच है इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको टेंथ का एडमिट कार्ड आपके साथ में होना चाहिए और आधार कार्ड लेके आना है फॉर्म भरने के बाद एग्जाम सिलेबस में गणित आएगी टेंथ और नाइन्थ की और साइंस आएगी दोनों सब्जेक्ट आएगी ओ पे साठ होंगे और तुरंत उसका आंसर सुना के उसी समय मतलब रिजल्ट सुना के पेपर का टाइमिंग जो रहेगा देखो सुनो पेपर का टाइमिंग सुबह सात से दस बजे के पीछे रहेगा सात से दस के बीच रहेगा आप एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत वहीं पर आप रिजल्ट देख सकते हो अपना कुछ देर के बाद में और आप ऑफर लेकर अपना जो भी प्राइज़ है वो लेकर आप, आप आ सकते हो आपका कोई मित्र है आपका कोई भी छोटा भाई है परिवार में है रिश्तेदार है जिन्होंने इस साल टेंथ का एग्जाम दिया उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर है उनको सबको बता दो बेटा ठीक है बेटा ये तो गुड न्यूज़ थी आप सभी के लिए बेटा यस अब शुरू करते बेटा सभी आ चुके होंगे यस सारे बच्चे आ गए क्या बेटा तो हमारे साथ सारी जनता छुट चुकी है आइए पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं बेटा हम्म hmm. कोई इसमें इंक्वायरी चाहिए तो आपको नंबर लिख रखे इसमें डेस्कटॉप पे भी चल रहे होंगे लाइन आपको दिख रही होगी वहां भी आप इंक्वायरी कर सकते हो और भी कोई चीज चाहिए इंक्वायरी तो कोई चीज के बारे में इंक्वायरी आप कर सकते हो बेटा ठीक है बेटा बेटा उर्मिला गुड इवनिंग सारे बच्चे आ गए क्या बेटा जल्दी बताइए सारे बच्चे आ गए क्या यस चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को हाँ इस पेपर का सोल्यूशन आपको यही मिलेगा जैसे कि पेपर आपका फर्स्ट ये रहा फोर्टी वन देखा होगा आपने पेपर में आज ऑफलाइन पेपर लगा था आपका उसका पेपर का सोल्यूशन ऑनलाइन हो रहा है तो देखिए पेपर आपका फर्स्ट ये रहा और पेपर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फोर्टी से स्टार्ट किया है पेपर सीरीज को फोर्टी से पेपर है आपका फर्स्ट तो यहाँ से आप शुरू करेंगे आंसर्स को समझेंगे आंसर्स को कंप्लीटली आने वाले एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं बेटा ठीक है चलिए हाँ जय राजधानी सभी को बेटा जय राजधानी महेश कुलदीप मनीष यस यशवंत रोहित बड़ा ये ये राजधानी सभी को चलिए तो यहाँ से अपन आंसर करना शुरू करते हैं सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि अभिक्रिया दे रखी थ्री एम जी एंड टू एम जी थ्री एंड टू में आपको बताना हो क्या रहा है देखिए इन द रिएक्शन थ्री एम जी से एन टू एम जी थ्राइस और एन टू बना है एक रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन में आपको देखना है कि हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है किसका क्या हो रहा है ये आपको देखना होगा ठीक है इसका तो इसके बारे में पूरा हम एनालिसिस करेंगे समझेंगे पूरे को और समझ ही आंसर देंगे ऐसा नहीं एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो अभी आपका मान लीजिए जैसा भी हुआ है फ्यूचर में कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए पूरा डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं देखिए यहाँ रिएक्शन को थोड़ा दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ है एम आपका देखिए आइए क्या लिखा हुआ है एम जी थ्राइस ये थ्री है एन टू और यहाँ जो बना है वो एम जी थ्राइस एन टू बना है दैट मीन्स पहले वो अकेले थे अकेले अकेले थे किसी के साथ चले गए जब भी कोई परमाणु अकेला होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जीरो होती है और किसी के साथ चला जाता है तो वो जी अभी भी अकेला है एन एन के साथ है अपने भाई के साथ है तब भी जीरो औक्षगण संख्या में होगा पर अगर किसी अलग प्राणी से मिलता है तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है अलग अलग उनकी तो इस केस में देखोगे तो एम जी की आता है बेटा मांगे कार स्कूटर वाली सीरीज में आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या रो वे कुछ भी कह सकते हो आप इस सीरीज में आता है और इस परिवार के सभी सदस्यों का ऑक्सीडेशन नंबर दो होता है तो आप एम जी किसी के साथ में जब भी पाया जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या दो है बेटा क्या है बेटा दो है दो है दो है ओके तो एम जी तो दो में गया हमें पड़ोसी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे पड़ोसी का निकालने के लिए मानते हैं है? यहां तीन एम जी तीन तो एम जी है और कितने नाइट्रोजन है दो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का आप एक्स मानोगे तो टू एक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा टू एक्स तो देखिए यहां हो जाएगा टू एक्स और एक एम जी पे चार्ज कितना होता है प्लस का दो तो तीन से गुणा करेंगे प्लस के दो को और टू एक्स बराबर जीरो कर देंगे चार्ज को आप तीन को दो से गुणा करोगे छ हो जाएगा और टू एक्स बराबर में जीरो अगर छ को आप बराबर के इधर ले जाओगे तो माइनस का छ हो जाएगा और अगर आप x का मान निकालना चाहते हो तो छ में दो का भाग दोगे आंसर आएगा तीन माइनस का यह आपको सिखा रखा है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालती है अगर ऑक्सीकरण संख्या निकल गई तो ये तुलना कर, कर लो किसका क्या हुआ है बेटा एम जी जीरो से कहा गया है दो में चला गया है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब ऑक्सीकरण हो गया है क्या हो गया है ऑक्सीकरण हो गया है ऑक्सीडेशन हो गया है और यहां जीरो से तीन में गया है तो घट गया है घट गया है तो बोलो तो क्या हो गया है अपचयन हो गया है अब देख लो नाइट्रोजन का अपचयन मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो हो गया आंसर भाई हो गया आंसर भाई हो गया तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है जबकि अब चेन कह रहा है गलत बात है मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण ये सही बात है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा अब चेन हो रहा है तो आंसर ये आ गया आंसर आ गया मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज सेकेंड आंसर राइट होगा कंसेप्ट को समझ लीजिए जीवन में कभी गलत नहीं होना चाहिए आखिरी बार पढ़ रहे हो समझ लो चैप्टर आप आखिरी बार सॉल्यूशन बता रहा हूं डिटेल से समझा रहा हूं और पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इसके साथ में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन जितने प्रकार के क्वेश्चन इस पेपर में आए ना इससे ज्यादा प्रकार के क्वेश्चन आने वाले पेपर में नहीं आने वाले ठीक है बेटा तो कंसेप्ट हो गया ये कि पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालो अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण है और घट रही है तो अपचेद है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन है डिक्रीज होता है तो रिडक्शन है साफ साफ लिखा हुआ है नाइट्रोजन का अपचेन कहीं ऑप्शन में है ही नहीं मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण ये रहा ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन कर दिया गलत होने का चांस ही नहीं था गलत होने का चांस ही नहीं था बेटा ठीक है सारे बच्चे आंसर भी कर सकते हैं अपना मत दे सकते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एक क्वेश्चन कंप्लीट अगला देखिए ये एग्जाम्पल मैंने थ्योरी में लिखवाया है आपको एच जी सी एल टू के विलियन में एस एन सी एल टू का अवक्षेप देता है ये क्रिया एच जी सी एल टू का क्या करती है ये रिएक्शन अगर याद है आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं थोड़ी सी आपको तो आप कहोगे हाँ सर देखी तो थी इसी रिएक्शन तो देखो आपके पास है ये क्या है ये आपके पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है के साथ में क्या डाल रहे हो आप ये डाल रहे हो एस एन सी एल टू अगर आपने देखा हो तो ये चीज़ दोनों की रिएक्शन करवाई भी थी मैंने और रिएक्शन करवा के ये भी बताया था कि SnCl2 से क्या बना लेता है Sn का 4 बनाता है क्या बनाता है Sn का 4 और मरकरी की संख्या डबल रखी जाए तो मरकरी एक क्लोरीन को छोड़ देता है और यहां बना लेता है मरक्यूरस क्लोराइड ऐसा एग्जाम्पल देखना कॉपी में उठा के मैंने एग्जिट करवा रखा है ऐसा का ऐसा लिखवा रखा है कॉपी को उठाकर देखना एज इज ऐसा का ऐसा आंसर लिखवा रखा है मैंने हां समझने में फोकस करें सारे बच्चे और पेपर में फिर आंसर लगा ले जो चीज लिखने की है पूरी लिख लिया करो कंसेप्ट को समझा करो क्योंकि पेपर अभी तक देना है आपको बाकी है आज पेपर अंतिम नहीं हुआ है यह पहला टेस्ट पेपर था आपका गलत नहीं करना है बातों का ध्यान रखना है इस केस में अभी क्लोरीन है दो तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी होती है माइनस का दो तो इसका हो गया प्लस का दो हमें इसी की निकालनी है मरकरी के साथ में क्लोरीन है एक पर एक माइनस दो पे दो माइनस तो पड़ोसी पे दो प्लस ये मैंने खूब तरीके बताए थे निकालने के एक क्लोरीन पे एक माइनस चार पे चार माइनस तो पड़ोसी पे चार प्लस हो जाएगा ठीक है आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बेटा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना हम्म चलिए यस yes. तो यहाँ पर अब दिख रहा होगा आपको प्लस दो मरकरी की बात इस पे देखो ये रहा तीन चार क्लोरीन है यहाँ पर एक क्लोरीन पे एक माइनस चार पे चार माइनस हो जाएगा जब इस पर चार माइनस आएगा तो पड़ोसी पे चार प्लस आता है तो यहाँ पर प्लस का चार हो जाएगा ये प्लस का चार हो गया और यहां देखिए क्लोरीन पे एक पे एक माइनस दो पे दो माइनस आता है अगर दो पे दो माइनस तो दो, दो पे दो प्लस आएगा तो एक को कितना मिलेगा एक प्लस मिलेगा कैसे मिलेगा निकाल सकते हो समझो बात को ये दो जनों है दो जनों में बटेगा ना तो एक को एक क्लोरीन मिलेगा ना दो जनों में दो जने बटेंगे तो एक एक मिलेगा ना एक, -एक को तो अगर एक इस पे माइनस आएगा तो एक ही प्लस आएगा तो बेटा ध्यान से समझो एस एन दो से कहाँ चला गया एस एन चार में बोलो क्या हो गया तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन हो गया है क्या हो गया है ऑक्सीडेशन और दो से कितने में जाता है चार में और मरकरी दो से कहां चला गया एक में तो इसका क्या हो गया रिडक्शन अब ऑप्शन देख लीजिए ये पूछ रहा है कि मरकरी का क्या हो रहा है ये पूछा ना देखो लो प्रश्न पूरा पढ़ लो मरकरी क्लोराइड की विलियन के साथ में एस एन सी एल टू डाल दिया गया एक अवक्षेप दे दिया इसमें तो इस क्रिया में आपको ये बताना इस क्रिया में एजीसीएल टू का क्या हुआ है एजीसीएल तो टू का क्या हुआ है आपको देख एजीसीएल टू इसका क्या हुआ है तो का इसका हुआ है तो है तो अपचित होता कौन सा ऑप्शन आ, आ, आ जाएगा इसका पहला ही आंसर आ जाएगा इसका ठीक है बेटा इसका आंसर पहला आएगा बेटा ठीक ओके आंसर आ गया फर्स्ट ये रिएक्शन भी लिख लेना कॉपी में भी वैसे है तुम्हारे पास है ना चलिए देखिए ओके okay, आगे बढ़ जाते हैं आगे का अभिक्रिया है जिसमें एस एन सी एल टू का परिवर्तन एस एन सी एल फोर में होता है साफ साफ ही कह रहा है आप बताओ क्या हो रहा है ये तो आप ही बता दोगे मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन था ये तो ये तो आसान क्वेश्चन था भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए तुमको आसान सा क्वेश्चन था ये तो आसान सा क्वेश्चन था ये तो तो बेटा ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना ऑक्सीडेशन है और आपको यह भी बताया था कि दो प्लस से चार प्लस का मतलब क्या है दो प्लस का मतलब दो की कमी दो इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और चार प्लस का मतलब चार का दान कर दिया देखो याद करो बेटा अगर यहां ऐसा है याद करो ऐसा बताया था उदासीन है जीरो होती है अगर इलेक्ट्रॉन का दान करता है दो इलेक्ट्रॉन का दान करता है दो इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो दो प्लस आता है अगर दो का दान करने के बाद दो और दान करता है तो दो और प्लस आ जाते हैं तो दो का कितना हो गया चार तो प्लस कब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो दो इलेक्ट्रॉन दान कहां कर रहा है दान करना मतलब खोना एस एन टू से एस एन फोर का बनना मतलब दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना समझ गए होंगे किसी चीज को खोना प्लस में दो आएगा बेटा हितेश गुड इवनिंग बेटा यस पूरे बच्चे नहीं आए लाइव क्या बात है आज हाँ तो यहां पर आंसर हो गया ऑक्सीडेशन होगा और दो इलेक्ट्रॉन के खोने से होगा ऑक्सीडेशन होगा और दो इलेक्ट्रॉन के खोने से होगा बात समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना बेटा समझ में नहीं आया आंसर ठीक है कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अगर वापस प्राप्त करता तो वो तो चेन हो जाता बेटा उल्टा हो जाता प्रोटोन कभी खोता और देता नहीं है वो तो अम्ल में शार में होता है चलिए आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके सामने यस yes. हम्म hmm. जेड एन प्लस टू से पानी था उसमें दो इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए कहीं ना कहीं से ले लिए है और उदासीन हो गया है साफ साफ पता चल रहा है दो ऑक्सीकरण संख्या थी इसकी और दो से जीरो में चला गया तो बताओ क्या हो गया बच्चे बच्चे को पता है ये तो प्लस दो से जीरो में जाना प्लस दो से जीरो में जाना यस बेटा आंसर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यस राजकिशोर बेटा गुड इवनिंग अजय कुमार मीणा गुड इवनिंग हितेश गुड इवनिंग बेटा यस yes. तो यहां पर क्या कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन संख्या अपनी ऑक्सीकरण संख्या दो से जीरो मतलब कम कर लिया कम करने का मतलब अपचेन कर लिया रिडक्शन बोलते हैं इसको दिस इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना रिडक्शन है बोलो आंसर क्या करोगे रिडक्शन करेंगे दूसरा इससे आसान कुछ हो सकता है क्या भाई अरे इससे आसान कुछ हो सकता है क्या यस yes, बेटा आंसर दो आंसर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी सारे बच्चे आंसर देंगे बेटा है ना और पूरा पेपर का सोल्यूशन देखना है भाई इसी प्रकार के एग्जाम में पेपर मिलेगा आपको फिर मत कहना आंसर समझाया नहीं दोबारा ना बताऊंगा फिर मैं ठीक है क्लास लेनी है पूरी अब चेन किसे कहते हैं अब चेन का मतलब होता है ऑक्सीकरण अंक को कम करना या फिर इलेक्ट्रॉन खाना अगर इलेक्ट्रॉन खोता है तो प्लस आता है और लेता है तो माइनस आता है तो किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से माइनस का आना माइनस का आना या इलेक्ट्रॉन घ्रण करना घरण करना मतलब प्राप्त करना इलेक्ट्रॉन को क्या करना गेन करना क्या कहलाता है रिडक्शन कहलाता है आंसर आएगा सेकंड, 45 नंबर का आंसर आएगा सेकंड, 45 नंबर का आंसर आएगा सेकंड, क्या आंसर आएगा सेकंड, यस बेटा हाँ कॉन्फिडेंट रहो और आंसर दो ठीक है कोई समस्या आती है तो मेरे से पूछो आप यस बेटा बिल्कुल सभी में कंपटीशन में सबके साथ पता चलेगा आपको अपन कितना कंसेप्ट में सही चल पा रहे हैं यस yes, बेटा तो यहाँ पर आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन को खोना बेटा इलेक्ट्रॉन को खोना तो आएगा बेटा जो खोना बता रहे ना ए वाले वो तो बेटा ऑक्सीकरण घटना है कौन सी घटना है वो तो ऑक्सीकरण की घटना है हमें अब चेन की घटना की बात करनी थी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना होगा बेटा इसका मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना यस यस श्रीपाल बेटा गुड इवनिंग हरिमोहन गुड इवनिंग हम्म उसके भी सोल होंगे बेटा चिंता मत करो आप है ना सबके सोल होंगे अभी केमिस्ट्री के देखिए बेटा अभी तो ये तो हुए नहीं पूरे स्टार्ट हुआ है अभी तो पांच क्वेश्चन हुए देखो एक देखो अच्छा क्वेश्चन है ये पी वाई क्यू भी था एक अभिक्रिया सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह ये सरकरा है बेटा चीनी है और सरकरा जो होती है उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आता है कितना आता है जीरो जीरो आता है इसमें यहां अगर आप सीओ टू में कार्बन का चेक करोगे यहां कार्बन का चेक करोगे तो कार्बन का चेक कीजिए कैसे करेंगे माना कि एक्स है ऊपर कितना आएगा इसका जीरो आएगा माना कि एक्स है यानी यहां तो कार्बन का कितना है जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका चेक करेंगे तो माना कि एक्स है कितने ऑक्सीजन साथ में है दो बराबर में जीरो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज बताया है बेटा मैंने माइनस का दो बताया है माइनस के दो को दो से गुणा माइनस का चार हो जाएगा उधर ले जाएंगे तो प्लस का चार हो जाएगा आंसर प्लस का चार आ रहा है ऑक्शिकन संख्या जीरो से चार में गई है चार जाने का मतलब है ऑक्शिकन संख्या बढ़ना औन संख्या बढ़ने का मतलब सक्कर का क्या हो गया है औिकन हो गया है सक्कर का हो गया है आंसर एक करेंगे बेटा आंसर एक करेंगे बेटा विक्की बेटा गुड इवनिंग यस क्रिस्तान्डो रेनाल्डो बेटा गुड इवनिंग आंसर आएगा इसमें ए आंसर राइट होगा बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिए एक अम्लीय विलियन में अभिक्रिया दे रखी एम एन ओ फोर माइनस से एम एन प्लस टू बना है आपको बताना हुआ क्या है तरीका मैंने सिखा रखा है वही तरीका लगाइए और आंसर दीजिए वही तरीका लगाइए और आंसर दीजिए आइए आंसर दीजिए एम एन एम एन फोर बना है तो यहाँ माना कि ऑक्सीकरण संख्या एक्स है कितनी ओ है चार ओ है और ये चार्ज जो होता है बराबर में लिखा जाता है यहाँ पर यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज मैंने माइनस दो मानने के लिए बोला था तो हो गया माइनस का आठ और बराबर में माइनस का एक आठ को इधर ले जाइए प्लस का हो जाएगा एक कम कर दो सात आ जाएंगे आंसर सात है अब इधर कितना है इधर इधर प्लस का दो है आप बताओ सात प्लस की और दो प्लस में कितने का अंतर है तो आप कहोगे पाँच का कितने का अंतर है पाँच का वो बात तो सही है पाँच का अंतर हर कोई पहचान लेगा पाँच का अंतर है परंतु बेटा पाँच का अंतर का मतलब पाँच प्लस में था सात प्लस में था और दो प्लस में है मतलब ऑक्सीकरण संख्या यहां क्या हुई है कम हुई है कम का मतलब क्या हुआ है ऑक्सीडेशन कम का मतलब यहां हो गया रिडक्शन और रिडक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है रिडक्शन कब होता है जब इलेक्ट्रॉन कोई भी ग्रहण करता है यह बताना है कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिए बताइए तो बेटा सात का प्लस का मतलब सात की कमी थी और दो प्लस का मतलब दो की कमी है सात रुपये कम थे दो रुपये कम है तो पाँच रुपये कहीं से ले लिए होंगे ना बंदे ने तो पाँच इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो मैं ये कह सकता हूं पांच इलेक्ट्रॉन घरण करके बंदे ने ऑक्सीकरण संख्या कम कर ली अपना क्या कर लिया अपचेन कर लिया तो सही उत्तर क्या हो गया पांच इलेक्ट्रॉन खाकर अपचेन कर लिया सही उत्तर देखो तीन इलेक्ट्रॉन द्वारा अपचेन तीन के द्वारा नहीं हुआ पांच के द्वारा अपचेन हो गया आंसर करेंगे चार नंबर क्या बोलती है जनता यस आंसर करेंगे चार नंबर बेटा हम्म रविंदर बेटा गुड इवनिंग समझ में आया बात यहाँ क्या बोला गया है यहाँ प्लस का सात ऑक्सीडेशन नंबर था यहाँ दो में चला गया सात का मतलब सात की कमी थी अब दो की कमी है तो पांच खा गया ना खाना मतलब घ्रण करना घरण करना मतलब इलेक्ट्रॉन खाने से अपचैन होता है और निकालने से ऑक्सीकरण होता है तो अपचेन कर गया पाँच इलेक्ट्रॉन खा के कितने खा के पाँच इलेक्ट्रॉन खा के यस तो यहां पर आंसर करेंगे फोर अड़तालीस में नहीं सैंतालीस भी अड़तालीस का आंसर आ गया बताओ हद हो गई बड़े होशियार हो गए तुम हाँ ये लो जी अगला क्वेश्चन देखो अड़तालीस नंबर का जब लोहे या जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब कॉपर अवक्षेपित होता है इसका कारण क्या है ये रिएक्शन मैंने लिखवा रखी है तुम्हें लिखवा रखी है ना क्या लिखवा रखी है कॉपर सल्फेट में एक बार तो मैंने जिंक डाल के दिखाई थी रिएक्शन और एक आयरन एक ही बात है दोनों की कहानी जिंक सल्फेट की जगह लेता है और जिंक सल्फेट बन जाता है और बेचारे कॉपर को अलग कर देता है चल हट यहां से इस कॉपर को हटा के अलग कर देता है अलग कर दिया तो अलग जिसका होता है उसका चार्ज ऑक्सीकरण संख्या जीरो होता है जीरो होता है और किसी के साथ है तब जीरो नहीं होता अब साथ में कौन है सल्फेट सल्फेट में मैंने माइनस का दो चार्ज बता रखा है कॉपी उठाना नोट्स देखना उसमें लिखवा रखा है आपको ठीक है अच्छा ये हेबिट है क्या यहां पर कोई बात नहीं यहां पर इस पर माइनस का दो चार्ज होता है तो पड़ोसी पे प्लस का दो हो जाएगा माइनस के दो का प्लस दो होता है उल्टा होता है चार्ज हमेशा ही ठीक ऐसा का ऐसा इस पे माइनस का दो तो पड़ोसी पे दो अब आप देख लो कॉपर कहा से कहा गया कॉपर ये चला गया प्लस के दो से जीरो में चला गया तो अप, अपना क्या कर लिया इसने अपचेन कर लिया ऑक्सीकरण संख्या गठा कर और भाई देखो इसने जिंक ने क्या किया है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाई है बढ़ाई है तो क्या कर लिया ऑक्सीडेशन क्या कर लिया है ऑक्सीडेशन कर लिया है तो बताओ क्या हुआ है तो यहां कोपर का तो अपचेन हुआ है दूसरा ऑप्शन करेंगे आया के समझ में आया के समझ में कोपर के ही पूछ रहा है तो कोपर ही कोपर है कोपर का तो अपचेन हो रहा है साफ साफ नजर आ रहा है पहले डिसाइड करो उत्तर फिर आंसर दो हम्म कोई बात नहीं चलिए ठीक है हाँ अरे कोई बात नहीं क्या कर रहे हो तुम वो आज पेपर में आया था वही तो करवा रहा हूँ बेटा मैं जो जो पेपर में आया था वही तो करवा रहा हूँ मैं पेपर ही तो करवा रहा हूँ और क्या करवा रहा हूँ चलिए अगला देखिए 49 अपचाय किसे कहते हैं नया कंसेप्ट आ गया है अपचाय किसे कहते हैं अपचाई उसको कहते हैं जो अपना अपचाइब उसे कहते हैं जो अपना औक्षिकण करता है अब उसे कहते हैं जो अपना क्या करता है औक्षिकण करता है और दूसरों का अपचयन करता है तो खुद का क्या करता है ओक्षी कर्ण स्वयं का क्या करता है ओक्षी और दूसरों का क्या करता है अपचयन दूसरों का क्या करता है अपचयन इसलिए उसका नाम औपचायिक है आप तो ये देखो अपचायिक वो पदार्थ होते हैं जो अपना ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण वो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं बताओ इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो आंसर हो गया सेकंड कंसेप्ट पकड़ो आंसर हो जाएगा यस yes. अपना ऑक्सीडेशन करने वाले और दूसरों का अपचेन करने वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया वो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया वो समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन उसमें डोनेट हो गए दान कर दिया गया है क्लियर है कोई भी दिक्कत आए तुरंत कमेंट करो इस नंबर का क्वेश्चन सर दोबारा समझाइए <coughs> आगे देखिए निम्न में से कौन सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है प्रबलतम ऑक्सीकारक कारक का मतलब फिर उल्टा करेंगे ऑक्सीकारक कारक कहेंगे जो अपना क्या करे अपचयन करे अपना क्या करे अपचैन करे अपना अपचैन करे और अपना अपचैन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे सीधा कंसेप्ट लगाओ ज़्यादा दिमाग को घुमाओ फिराओ मत अब आप बताओ यहाँ फ्लोरीन भी है क्लोरीन भी है ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है ना जिसकी शक्ति ज़्यादा होती है खाने की ओवरऑल खाने की शक्ति ज़्यादा होती है वो फ्लोरीन की होती है क्योंकि फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है ज्यादा होती है तो विद्युतीनता ज्यादा है फ्लोरीन की फिर क्लोरीन की फिर ब्लोमिन की फिर आयोडीन की तो सबसे कौन खाता है फ्लोरीन खाता है फ्लोरीन खाता है फ्लोरीन खाता है तो यहां सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खाएगा जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो अपना अपचयन करेगा और जो अपना अपचयन करेगा किसी ना किसी का ऑक्सीकरण करेगा और उसे ऑक्सीकारक कहेंगे आंसर करेंगे फ्लोरीन ये पी क्यू काफी बार आ चुका है गजब वाला क्वेश्चन है इस पर लगाइएगा सेवन स्टार यस गजब वाला क्वेश्चन है काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन हाँ हाफ सेंचुरी इज कंप्लीट बेटा मैं पेपर करवा रहा हूं पेपर करवा रहा हूं फोर्टी वन से स्टार्ट हुआ था और ये एटी तक चलेगा अस्सी नंबर तक चलेगा पूरा पेपर आज ही होने वाला है केमिस्ट्री का पूरा यस yes, बेटा यस yes, आशीष वर्मा जय श्री राम गुड इवनिंग ऐसा था बेटा हाँ ऐसा था आज के बाद गलत मत करना बेटा ना आज के बाद गलत है? मत करना चलिए एक अभिक्रिया दे रखी एच टू एस से एच टू टू रिएक्शन करके एच टू प्लस सल्फर बनाता है तो क्या हो रहा है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रिएक्शन पे आ जाओ और देख लो क्या क्या हो रहा है सिंपल सी बात है कैसे लगाएंगे सर पता ये रिएक्शन है आपके पास देख लीजिए रिएक्शन में आप देखोगे तो दोबारा लिखोगे रिएक्शन को वैसे यहां लिख देता हूँ रिएक्शन को दोबारा इधर जगह नहीं है अपने पास। हम्म, ये देखिए। तो जीरो है नहीं? अकेली की क्या? जीरो होती है अब किसी के साथ में मुझे नहीं पता कितना है पर मैंने हाइड्रोजन का बताया था ना तुमको कितना बताया था प्लस का एक।, जब एक का एक प्लस दो का दो प्लस जब बेटा पड़ोसी का दो आता है तो सल्फर का कितना आ जाएगा दो माइनस ये तरीका होता है निकालने का बस अब एक का पता लगा लो दूसरे का पता चल जाएगा अपने आप ही सल्फर कहां से कहां जा रहा है दो से जीरो में आप बताओ दो जीरो में में जीरो बड़ा कौन तो आप कहोगे सर तो माइनस में है तो बड़ा तो जीरो ही है सही बात है ना बड़ा जीरो है बेटा ये माइनस में है ये प्लस में है तो जीरो बड़ा है यहां समझे और बड़ा है ऑक्सीकरण संख्या तो बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हिंदी में उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जब बेटा एक का पता लगा लिया ना दूसरे का मैं मैं कह कह रहा रहा ना अब अब हुआ हुआ है। मत करना मत करना करना। चाहिए कि टाइम ख़राब क्यों करेंगे हम? तो का है, का है, का है? हाँ, तो आपने बताया तुरंत आंसर कर दिया होगा दूसरा क्योंकि गलत कर दिया तुमने क्योंकि ऑप्शन पढ़ो पढ़ो एक चीज और समझाता हूं जिसने बेटा अपना किया है है वो इसका कर रहा समझना और जो अपना अपचयन कर रहा है वो इसका कर रहा है तो बेटा जो अपना अपचयन करने वाला इंसान है ना वो हकीकत में कौन है वो हकीकत में ओक्षिक कारक है क्या है वो हकीकत में औिक कारक है तो आपका H2O2 अपचयन तो कर रहा है अपना पर किसी दूसरे का कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण कर रहा है तो वो ऑक्सी कारक कहलाएगा ऑप्शन। क्या बोलते हो ए ऑप्शन। एच टू एस एच टू ओ टू यहां से वोटर और क्या बना है सल्फर बना है वोटर एंड सल्फर बना है तो देखो इस केस में क्या हुआ है आप इंग्लिश वाले भी देख लीजिए बेटा है ना यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H का मैंने आपको प्लस वन बताया था दो एच का दो प्लस हो जाएगा तो पड़ोसी का दो माइनस हो जाएगा यहां है जीरो यहां है जीरो यहां है जीरो आप बताइए नेगेटिव टू से जीरो में जाना आप क्या कहोगे इसको ऑक्सीडेशन यस बेटा जब यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो कन्फर्म नेबर का क्या हुआ होगा रिडक्शन यस ओके ये तो प्रोसेस हो गई ये तो प्रोसेस हो गई जो अपना रिडक्शन करता है किसी अदर का ऑक्सीडेशन करता है तो रियलिटी में H2S ने अपना किया रिडक्शन बट कोल्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हकीकत में क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हकीकत में ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यस क्या छोड़ दिया कोई बात नहीं अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो ऐसा करना पड़ेगा समझ रहे हो हाँ क्वेश्चन आसान था क्वेश्चन आसान था पर बेटा कंपटीशन है कंपटीशन में तो कंपटीशन रहेगा ही रहेगा थोड़ा सा आपको हाँ कार्तिक बड़ा थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यस निम्न में से कौन सा अपचायक नहीं है विच ऑफ दिस फॉलोविंग इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट आपको करना क्या है इनमें आपको ये करना है आपको मैंने दोनों डेफिनेशन बताई थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी और रिड्यूसिंग एजेंट की भी देखिए डेफिनेशन दोबारा बताता हूँ यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे आप तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है ऑक्सीडेशन नंबर बहुत पावरफुल होता है ऑक्सीडेशन नंबर इज द मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर में आता है कितना नंबर में आता है बहुत ज़्यादा नंबर में आता है वो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और जिनका रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें हम एजेंट की बात करें हम तो इसमें आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मिनिमम फाइन होता है आपको अब आप ये देख लो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करना है रटना वटना कुछ था नहीं कि ऑप्शन ऑप्शन याद करने कुछ नहीं करना कंसेप्ट याद रखो हो जाएगा बेटा सब मिल जाएगा टेंशन मत करो आप हम्म तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे एटम का नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का एसन का और यहां निकाल लीजिए आई का ओके चलिए निकालिए आप चेक कीजिए यहां आप नाइट्रोजन का निकालोगे तो प्लस वन है ऑक्सीजन का होता है नेगेटिव फोर नेगेटिव फोर में से यहां फोर कम कर दीजिए आप यहां पर जब कम कर दोगे तो नेगेटिव थ्री बचेगा और नेगेटिव थ्री को ट्रांसफर कर दीजिए आप क्या हो जाएगा पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव थ्री हो गया ना ठीक इसको चेक करेंगे नाइट्रोजन का हो गया नेगेटिव 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 हो गया और इसका हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक कम कर देना नेगेटिव फाइव बचेगा ट्रांसफर कर देना पॉजिटिव फाइव आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन का पॉजिटिव फाइव ओके एसन का चेक करोगे तो सीएल जो होता है उसका नेगेटिव वन होता है दो का दो नेगेटिव तो यहां नेबर जो हो गया उसका पॉजिटिव टू हो जाएगा पॉजिटिव टू हो जाएगा ओके पॉजिटिव टू हो जाएगा ओके okay? यहां पर आप देखोगे आई का तो एच यहां प्लस में होता है तो ये माइनस आई में होता है ये क्या होता है माइनस में होता है ओके यहां आपको अपचाइक देखना है अपचाइक का मतलब ये होता है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अब रिड्यूसिंग एजेंट भी फोकस करो बस रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे यहां लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का मिनिमम होना क्या लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन तो नंबर मिनिम का मिनिमम होना अब बताओ मिनिमम किसमें है तो मिनिमम है दो भी मिनिमम है मिनिमम है तीन भी मिनिमम है और माइनस में एक भी तो मिनिमम ही है ये तो मिनिमम ही है ना ये मिनिमम ही है ना तो मिनिमम वाले तीनों ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा मिनिमम वाले तीनों ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा मिनिमम वाले तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है ना बेटा, बेटा? परंतु परंतु ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंटर क्वेश्चन कह रहा है नॉट रिड्यूसिंग एजेंट तो बच कौन गया बी बचाना अरे बच कौन गया बी क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है बेटा बहुत ज्यादा आ रहा है तो आंसर इसका करेंगे बी कंसेप्ट को समझो तो सही ऑक्सीडेशन नंबर कम बोला ना मैंने तो कम तो दो भी कम है एक भी कम है तीन भी कम है पांच से ज्यादा हो ही नहीं सकता नाइट्रोजन का नंबर पांच से ज्यादा हो ही नहीं सकता नाइट्रोजन का नंबर तो मैक्सिमम हो गया वो तो और मैक्सिमम वाला तो ऑक्सीडाइजिंग होता है पूछा है रिड्यूसिंग नहीं है नोट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है नोट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो नहीं है ये ये नहीं है आंसर हो गया इसका ठीक चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखिए कौन है भाई, एक कौन है कौन है, ये चेक करना है परबल का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है आपसे स्ट्रॉगे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा आपसे इनके पास पहले से माइनस है इनके पास पहले से माइनस है इनके पास पहले से माइनस है यस क्वेश्चन है तरेपन नंबर पहले से माइनस है आइए देखिए मैंने बताया भी था अब ऑक्सीडेशन नंबर तो इक्वल है वो कंसेप्ट तो लग नहीं रहा लग नहीं रहा वो तो लग नहीं रहा वो तो लग नहीं रहा डी आंसर सर अच्छा देखेंगे बेटा औपचाई का मतलब होता है जो अपना औक्सीकण करे चलते जाइए मैं कहूं वैसे वैसे अपना क्या करे ऑक्सीकरण और अपना औक्षण करने का मतलब है अपना औक्षिकरण करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना यहां लिखा हुआ स्ट्रोंगे रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको देखना है रिड्यूसिंग का मतलब होता है सेल्फ क्या होता है ऑक्सीडाइज तो सेल्फ का ऑक्सीडेशन देखना है आपको सेल्फ का ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना अब आपको ये देखना है एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस इन तीनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है कौन करता है मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर बेटा फ्लोरीन का साइज छोटा होता है क्लोरीन और साइज बड़ा होता है ब्रोमीन का और भी बड़ा होता है आयोडीन का और भी बड़ा होता है ये साइज का कॉन्सेप्ट है अब इतने बड़े घर में उस पर नेगेटिव का मतलब होता है कोई गेस्ट आ गया है गेस्ट आ गया है इसका घर छोटा है घर छोटा है और भी छोटा है इसका साइज छोटा है किचन है छोटा सा समझ लो अब किचन में गेस्ट कैसे रहेगा घर है तो रह जाएगा बड़ा घर है तो रह जाएगा यहाँ तो घर क्या धर्मशाला है कितनी भी रख लो गेस्ट तो नेगेटिव चार्ज को वो एक्सेप्ट कर सकता है सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ हो रहा है उस फ्लोरिन को हो रहा है सब ज़्यादा फ्लोरिन को हो रहा है फ्लोरिन को हो रहा है अरे फ्लोरिन को हो रहा है नेगेटिव की वजह से तो सबसे जल्दी रिलीज कौन करेगा फ्लोरीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिलीज कर देगा क्योंकि इसे बड़ा दर्द हो रहा है बड़ा दर्द हो रहा है तो सबसे जल्दी रिलीज ये करेगा तो सबसे अच्छा औचायिक अभी ऐप नेगेटिव है बेटा ऐप नेगेटिव है अगर इन पर नेगेटिव नहीं होता बेटा नेगेटिव नहीं होता तो आंसर फिर आयोडीन आता पर पहले से इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है जिसको जितना ज़्यादा दर्द होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सबसे ज़्यादा दर्द में कौन है यहाँ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा दर्द में है तो फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस केस में फ्लोरीन एकदम पावरफुल पावरफुल अप्रोड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि जो अपना ऑक्सीकरण जल्दी करता है वही तो अपचायक होता है आंसर करेंगे ए आंसर करेंगे ए यस कंसेप्ट इज कंसेप्ट बेटा कंसेप्ट तो चलेगा ना बेटा यस चलिए आगे देखिए निम्न में से किस अम्ल में ओक्षिकार संकुल बनाने की नेचर पाई जाती है चलो संकुल तो बुनना पड़ा नहीं है पर ओक्षिकार्चाय दोनों का व्यवहार करने वाले मैंने लिखवा रखे है एग्जिटिज टेबल में आपको बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा तो आपको मैंने दोनों व्यवहार करने वाले कुछ एसिड लिखवाए थे जैसे कि एच सी एल ओ एच सी एल ओ टू जैसे कि मैंने लिखवाया था एच थ्री पी ओ एच थ्री पी ओ थ्री वाला लिखवाया था एच थ्री पी ओ थ्री वाला एसिड लिखवा रखा है एच सी एल ओ टू लिखवा रखा है आपको एच एन ओ टू लिखवा रखा है एक एच टू ओ टू लिखवा रखा है ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं आंसर आ जाएगा इज फोर इज राइट आंसर फोर इज द राइट, राइट आंसर फोर आंसर इज द राइट आंसर होगा इसका बेटा यस ऐसा क्यों कर दिया तो बेटा आंसुन क्यों कर दिया आपने ऐसा हाँ क्यों कर दिया ऑक्शिकार्चाई दोनों की तरह कब काम करता है ऑक्शिकार संख्या पांच है अब पांच ज्यादा सात हो सकता कर सकता के ये, ये तो कबल कम कर सकता है कम कर सकता है मेल ओक्षिकारा की तरह काम कर सकता है ये तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यौगिक जो ओक्षिकार्चाई दोनों की तरह कार्य करता है रियल लो जी सारे देखो वही कर आए हैं क्वेश्चन जो आपको थ्योरी में लिखवा रखे हैं कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं पैसेंस रखा करो चीजों में गलतियां मत किया करो भाई आगे देखिए तो यहां पर आंसर करना था अभी यह भी आया था कि एच दोनों किस तरह काम करता है यहां यह ओक्षिकारक है यह ओक्षिकारक है यह आपका क्या है ओक्षिकारक है ये दोनों किस किस तरह काम करते हैं औक्षिकारक की तरह काम करते हैं बहुत अच्छे औक्षिकारक है प्रबल ओक्षिकारक की तरह काम करते हैं दोनों ही प्रबल ओक्षिकारक की तरह काम करते हैं दोनों, है दोनों ही ये भी प्रबल ओक्षिकारक है याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो आता है सात मैक्सिमम इसका आता है छः इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो नहीं सकता तो पावरफुल है ये तो पावरफुल है भाई पावरफुल है आगे देखिए ये लो जी सिंपल सा क्वेश्चन था सीओ टू में ऑक्सीकरण अंक बता दो कार्बन का क्वेश्चन दिया भी है कार्बन दिया है कार्बन अगर पूरे सीओ टू पे चार्ज की बात करूं जीरो है मैंने कहा भी था जीरो मत कर देना पर ऑप्शन में दिया ही नहीं था वैसे मैंने तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे माना कि एक्स है दो ऑक्सीजन साथ में है बराबर में जीरो आपको पता है ऑप्शन पे चार कितना बताया था माइनस का दो माइनस के दो से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का चार हो जाएगा माइनस के चार को आप ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस का चार हो जाएगा जी प्लस का चार हो जाएगा प्लस का चार हो जाएगा जनता आंसर क्यों नहीं दे रही है चार होगा बेटा क्या होगा बेटा चार आंसर होगा इसका यस 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 इस क्वेश्चन का राइट आंसर चार होगा कैसा हो जाएगा भाई चार हो जाएगा इसका आंसर राइट यस बेटा जी ठीक है चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं इसके बारे में अगला देखिए अगला ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है पी था ऐसा देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ है सी माना कि एक्स है साथ में कोने पानी कितने पानी है चार ओटर है ओके और यहाँ टू क्लोरीन है यहाँ सी का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है वैलेंसी पूछी गई है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका तो यहाँ पर चेक कीजिएगा यहां पर ऑक्सीडेशन पर चेक कीजिएगा आप यस yes. तो आपको यहां पर क्लोरीन पे चार्ज होता है वाटर पे तो जीरो बता ही रखा है तो यहां जीरो तो चार से जीरो तो जीरो हो जाएगा तो x इक्वल टू ये तो जीरो हो गया कंप्लीटली क्लोरीन पे चार्ज है एक पे एक माइनस बताया था मैंने तो एक माइनस रखेंगे और ये जो चार्ज है यहां वाला वो इक्वल में रखते हैं ये कम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का टू हो गया ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये नेगेटिव है तो इधर जाने से पॉजिटिव हो जाएगा तो तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और टोटल मिलाया तो three, three करना है, करना है, है? पूछ रहा है मतलब सिंपल सी बात है क्या पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना कर देंगे तीन कर देंगे यही क्वेश्चन सीयूटी वाले बच्चों के आएगा तो बेटा वहां पर आपको आंसर इसका छ करना है कैसे यहां पर इसका एक मीन्स और निकलता है वैलेंसी का मतलब होता है कितने बोन बना रहा है तो रियलिटी अगर देखी जाए इस कंपाउंड को तो सी आर की वैलेंसी किस किस के साथ है चार तो पानी के साथ है और दो क्लोरीन के साथ में है तो यहाँ यहां करनी है जेट वाले को सिलेबस में है ही नहीं तो वैलेंसी पूछने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है मेरी बात को सुनिए वापस समझा दो सर देखो कंपाउंड वैसा ऐसा है सी आर एच टू के नंबर चार है और दो क्लोरीन है और उसके ऊपर प्लस का चार्ज है जिसका निकालना होता है पूछा है सी का माना कि एक्स है यहाँ वोटर कितने हैं चार वोटर है और कितने क्लोरीन है टू क्लोरीन इक्वल टू जीरो है तो सॉरी जीरो कैसे प्लस का एक है <coughs> आपको मैंने लिखवा रखा है थ्योरी में कि वोटर का टोटल चार्ज जीरो होता है तो वोटर पे चार्ज जीरो तो जीरो से मल्टीप्लाई क्लोरीन पे माइनस का वन चार्ज होता है प्लस का वन हो जाएगा सॉरी माइनस का वन होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा जीरो हो गया माइनस का दो हो गया प्लस का एक हो गया ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस वाला इधर जाने से प्लस का हो जाएगा और एक पहले से है कुल मिला के हो गया तीन ये जेड का पेपर दे के आते हो इसी क्वेश्चन का तो आंसर ये करके आओगे जो बच्चे सी यू टी के है अगर ये क्वेश्चन सी यू टी के पेपर में आ जाता है क्योंकि अब ये चैप्टर सी यू टी में है नहीं रेडोक्स वाला तो वहाँ रेडोक्स से नहीं पूछ रहा है और ये जेट में ही है केवल ओनली फॉर जेट ओनली फॉर जेट में है ये पेपर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ओनली फॉर जेड के लिए है ये तो वहां आंसर ये ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से करके आना है ये वाला जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में वैलेंसी पूछी जाती है तो वैलेंसी का मतलब होता है से हो सकता और वहां मतलब ये कितनों के साथ चक्कर है उसका कितने के साथ बॉन्ड है उसका तो ये पूछना चाहता है वहां पर ठीक है क्लोरीन ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला रहा है हमेशा ही पर आपको पता है सिलेबस अलग अलग है दोनों का थोड़ा सा तो ये रेडोक्स वाला जेट में आता है ये वाला सी में आता है जेट में नहीं आता वो जेट के लिए ये सी के लिए तो वहाँ आपको ये बताना है कि कितने बोंड बनाता है तो चार बोंड तो वोटर के साथ और दो क्लोनी के साथ कुल मिला के ये छः बोंड बनाता है कैसे बनाता है मैं बना के बता दूँ तो ये क्लोरीन है आपका और बाकी जो बॉन्डिंग है उसकी इस प्रकार से होती है देखो बता दूँ आपको ये स्क्वायर टाइप का बॉक्स होता है इसमें स्क्वायर इस टाइप का बॉक्स होगा तो ये जो इस प्रकार से बॉन्डिंग करता है वोटर के साथ चारों कोनर से चारों कोनर से वोटर बॉन्डिंग करता है तो वोटर यहाँ है अपना लोन पेयर देता है वोटर यहाँ है अपना लोन पेयर देता है वोटर यहाँ है कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी चीज़ें तो चार तो ये और एक लोन आगे से एक पीछे से तो दो बॉन्डिंग और बना रहा हूँ मैं आपके लिए तो एक आगे से एक पीछे से ये दो क्लोरीन बॉन्डिंग और बनाता है कुल मिला के छह बॉन्डिंग बनती है वैलेंसी को कहते हैं तो आंसर सी ऊटी वाले वैलेंसी को छ करके आओगे बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से इलेवंथ का नहीं आता इलेवंथ का नहीं आता हाँ दे सकते हैं ना क्या दिक्कत है अगर एज आपकी हो गई है तो एज का भी मेरे हिसाब से इशू हट जाएगा दो दिन में आपका है ना न्यूज आ जाएगी गुड न्यूज आपके लिए ट्वेल्थ का ही आता है सीयूटी में आगे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है कोई दिक्कत ही नहीं है बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपके पास ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है छोटा यह जो ओ है या छोटा आएगा थोड़ा सा ये दोनों सेम जैसे नहीं दिखते दिखते हैं मतलब अलग अलग ही दिखते हैं दिखा रखे हैं सेम ही छोटा ओ हो मतलब कोबाल्ट है कुछ को पता ही नहीं है क्या है दिस इज कोबाल्ट है दिस इज कोबाल्ट है और सी ओ का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड है इस बात का ध्यान रखिए ठीक है चलिए तो चेंज चेक कर लेते हैं इसको आइए कैसे करेंगे ये रहा क्वेश्चन आपका तो यहाँ माना कि ये पोटेशियम जिसका निकालना है कोबाल्ट का ही निकालना है तो ये कोबाल्ट है x मान लेंगे और चार क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू में जीरो चार्ज कर देंगे कोई चार्ज है भी नहीं आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज मैंने जीरो बताया था चार पे भी चार ही ज़ीरो हो जाएगा मतलब ज़ीरो हो जाएगा कम्प्लीटली यहाँ पोटेशियम का प्लस का एक होता है और एक्स पोटेशियम एक वाले को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का एक हो जाएगा आंसर आएगा माइनस का एक सी इज द राइट आंसर माइनस का एक राइट right आंसर आएगा हम्म ठीक है हाँ रिजल्ट कल बता देंगे बेटा आपको रिजल्ट कल बता दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आगे चलिए अभी तो आंसर समझो ना बेटा रिजल्ट से क्या करना है पेपर अभी रिजल्ट बहुत दूर बाकी है सी को पहले चीज़ों को इस एग्जाम्पल में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ये रहा कैसे निकालेंगे वही करेंगे माना कि एक्स है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन एच ओ सी एल एक्स आपके पास है सी एल एजूम कीजिए एक्स है साथ में कौन है ओ है ओ के साथ में एच भी है ओ के साथ में एच भी है एच का प्लस का एक होता है ओ का माइनस का दो होता है और एक्स हो गया यहाँ पर इक्वल टू में जीरो चार्ज करना है प्लस माइनस में से एक कम कर देंगे तो माइनस का एक बचेगा एक्स ट्रांसफर करने से माइनस का एक प्लस का हो जाएगा आंसर आ गया प्लस का एक सी इज द थर्ड आंसर थर्ड आंसर होगा थर्ड आंसर होगा टेस्ट कहाँ होता है टेस्ट बेटा अपने अपने सेंटर पर जहाँ पे बच्चों ने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है वहाँ टेस्ट होता है वहाँ टेस्ट होता है न? ऑफलाइन टेस्ट होता है क्लास में टेस्ट होता है जिन बच्चों ने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है वो क्लास में टेस्ट उनका होता है ठीक है और बाकी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनका टेस्ट ऑनलाइन हो ही रहा है देखते जाओ क्वेश्चन का आंसर देते जाओ भी दोनों के फायदा है ना इसमें तो दोनों का फायदा है ना इसमें तो ये देखो गजब क्वेश्चन है सल्फर माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए सल्फर माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है भाई यहाँ सल्फर का मानोगे एक्स है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ लिखा हुआ है मैंने बताया भी था जिस जिंक प्लस टू है तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है एक्स की वैल्यू मानो और बराबर में दो कर दो ऐसे करते हैं ना इसकी भी एक्स मानो और वैसे भी बराबर में दो कर दिया तो यही माइनस का दो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है घबराने की जरूरत नहीं है आंसर फर्स्ट कर देंगे बड़ा ही अच्छा आसान क्वेश्चन था अब किस बारे में चर्चा कर रहे हो आप आंसर नहीं दे रहे हो ना जाने क्या क्या चर्चा में लग गए आंसर दो बेटा आंसर दो है ना ठीक है और समझो चीज़ों को समझो बेटा समझो तो आंसर यहां पर आ गया है माइनस का दो कोई तकलीफ आए तो बताओ मेरे को कोई तकलीफ आए तो बताओ मेरे को ठीक है एच में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वही करना है एज्यूम करना है सल्फर का सल्फर का एक्स मानना है साथ में कौन है दो एच तरीका वही है और माना कि एक्स है ऑक्सीजन है चार इक्वल टू में जीरो कर देना है एच का प्लस का वन तो दो का दो प्लस एक्स ऑक्सीजन की चार्ज की बात करें तो माइनस का दो बताया था तो चार से गुणा करोगे माइनस का आठ हो जाएगा आठ में से दो कम करोगे छह बचेगा जी ट्रांसफर कर दीजिए प्लस का सिक्स आंसर आएगा आंसर आ गया प्लस का सिक्स रोज होती है बेटा ये ये क्लास रोज होती है बेटा ये क्लास रोज होती है रोज क्वेश्चंस होते हैं किसी न किसी चैप्टर के रोज केमिस्ट्री की प्रैक्टिस होती है अगला देखिए सिक्सटी टू एच एन ओ थ्री में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे आसान आसान क्वेश्चन थे बेटा ये रहा आपका नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री में आंसर देना है तो x नाइट्रोजन का निकालना है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन माना कि x है साथ में क्या है हाइड्रोजन है तीन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग है आपको हाइड्रोजन की प्लस में एक बताई है और ऑक्सीजन का मैंने चार्ज माइनस का दो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का छः कर देंगे माइनस का छः प्लस का एक तो बचेगा माइनस का पाँच ही और पाँच को ट्रांसफ़र कर दोगे तो प्लस का पाँच हो जाएगा जी प्लस का पाँच आंसर कर देंगे प्लस का पाँच प्लस का पांच ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा दीजिए बेटा ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो लगा दीजिए हाँ उसी के थ्रू भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं है जनरल में आते उन्हीं के लिए तो ईडब्ल्यूएस है ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए तो है और क्या है और किन के लिए आती है उन्हीं के लिए तो आती है ईडब्ल्यूएस एच टू सी टू ओ फोर में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बता दो जल्दी से कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तरीका वही रहेगा मैंने बता दिया आपको देखिए यहाँ दो तो एच है दो एच यहाँ करता हूँ नीचे दो तो एच है कार्बन का एक्स मानते हैं दो कार्बन का दो एक्स मानेंगे ऑक्सीजन है चार इक्वल टू में जीरो कर देंगे एक एच पर एक प्लस दो पे दो प्लस टू एक्स ऑक्सीजन पे माइनस का दो तो चार से गुणा करेंगे आठ होता है वैसे आठ में से दो कम किया छः बचेंगे माइनस के बचेंगे ना और छः को ट्रांसफर कर दो आप तो प्लस का छः हो जाएगा और एक्स का मान निकालना है तो छः में दो का भाग लगेगा तीन आएगा आंसर कितना आएगा जी तीन आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर वेरी गुड ऐसे आंसर दो बेटा आंसर दो बेटा ठीक है यस yes. चौंसठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है देखिए आंसर सी आर एन एस थ्री का ट्वाइस सी एल टू में सी आर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बतानी है बताइए कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही तरीका आपको अपनाना है अभी बताया भी था कंपाउंड ये रहा है जिसका निकालना होता है एजूम करना है ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानना है अमोनिया चार है चार एन एस थ्री है और साथ में क्या है दो क्लोरिन है चार्ज भी है उसके ऊपर प्लस का एक आपको मैंने थ्योरी में, में लिखवा रखा है कि अमोनिया पे चार्ज टोटली कितना होता है जीरो होता है कितना होता है जीरो तो चार पे भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आना तो जीरो ही है क्लोरीन पे माइनस का एक होता है माइनस के एक को दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी और प्लस का एक ये तो जीरो हो गया माइनस का दो और प्लस का एक माइनस के दो को ट्रांसफर कर देंगे हम इधर की तरफ तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा दो और एक तीन हो जाएंगे आंसर तीन प्लस का हो जाएगा प्लस का तीन आंसर इज फर्स्ट इज द राइट आंसर वेरी गुड बेटा फर्स्ट इज द राइट आंसर यस हाँ तुरंत भी अपना प्रैक्टिस करते रहो आप जिन्होंने नहीं दिया है टेस्ट कोई अच्छी बात है उनका प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगा हाँ हाँ तो फिर जनरल से भरेगा बेटा और जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जनरल से भर जाएगा जनरल में कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए ऐसे भर जाएगा ये लो जी मैंने कहा था सार्थक से क्वेश्चन आएंगे सिग्निफिकेंट नंबर से क्वेश्चन आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है देखिए सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या चीज़ है समझा दूँ आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका कोई वैल्यू होता है तो इनके लिए कुछ रूल्स बताए थे मैंने रूल्स बताए थे जीरो को इंक्लूड नहीं करते सिग्निफिकेंट नंबर में तो यहाँ पर केवल ये दो नंबर ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट है तो आंसर यहाँ पर दो आएगा क्या आएगा दो क्या आएगा जी दो सिग्निफिकेंट का मतलब है सेंसेबल नंबर जिनका सेंस होता है हाँ अगर ये डेसिमल का नंबर है तो इसमें रूल और लगते हैं अभी तो फिलहाल जीरो को काउंट नहीं करना है तो दो अंक आ गए इसमें तो सिग्निफिकेंट नंबर दो काउंट हो जाएंगे आगे और आएंगे अभी तो सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा तत्व ऐसा है जो पृथ्वी पर, पर जीवन है विच ऑफ दिस फॉलोविंग एलिमेंट ऑफ द मैटर हुड बेस्ट बेस्ट कॉन्वेंसी दैट इज देयर लाइफ ऑफ अर्थ सभी को पता है ऑक्सीजन की वजह से ही जीवन है बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता और आपको बता दूँ इसका मैक्सिमम परसेंटेज भी होता है अगर अर्थ पे बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज किसका है ऑक्सीजन का है बेटा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का परसेंटेज पाया जाता है अर्थ के ऊपर परसेंटेज पूछे तो आपसे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है तो धरती पर मिलने वाला अर्थ अर्थकृष्ट मिलने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट भी ऑक्सीजन ही है ये भी याद रखिएगा अगला देखिए सिग्निफिकेंट नंबर इन द थ्री फोर जीरो जीरो मैंने फिर कहा जीरो पीछे वाला भी इंक्लूड नहीं होता इस केस में तो केवल दो नंबर ही सिग्निफिकेंट है तो यहाँ आंसर फिर से आपका दो आ जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर दो आएंगे बेटा दो आएंगे दो वेरी गुड बेटा काफ़ी सारे बच्चे तुरंत तुरंत तुरं आंसर दे रहे हैं चलिए जो इंटरेस्ट ले रहा है उनका एग्जाम में इंटरेस्ट होगा पता होगा है ना तो यहाँ पर आंसर यहाँ दो होगा सिग्निफिकेंट नंबर लास्ट ईयर हंड्रेड का आया था सिग्निफिकेंट पेपर में तो वहां पर एक ऐसा नंबर था जो सिग्निफिकेंट है अगर वो टू हंड्रेड आता तो भी आंसर तो एक ही होता क्योंकि आपको फिगर चेक करना है फिगर एक ही है अगला देखिए अगर जीरो मिडल आता है बीच में दो नंबर्स के बीच में होता है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो इस केस में जीरो है वो बीच में है आगे भी नंबर है पीछे भी नंबर है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और डेसिमल में नंबर है वैसे भी तो वन टू थ्री फोर फाइव कुल मिला के कितने नंबर हो गए पांच नंबर तो इस केस में आपका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा बेटा वो पांच होगा रूल्स भी यही थे और यही एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ये हो गया फर्स्ट आंसर 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 इज 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 द द राइट राइट अगला देखिए तुरंत तुरंत करेंगे इसमें टाइम क्या लगाएंगे बताओ पदार्थों का कौन सा युग में गुणित अनुपात के नियम को समझाता है आपको बताना विच ऑफ दिस दिसोविंग पेयर ऑफ द दबस्टेंस सबस्टेंस एलिस्ट्रेट द लो ऑफ मल्टीपल प्रपोशंस किस चीज को समझाता है मल्टीपल के लिए मैंने एग्जाम्पल बताए थे सी ओ प्लस सी ओ टू एच टू ओ प्लस एच टू ओ एच टू ओ टू एस ओ टू प्लस एस ओ थ्री एस ओ टू प्लस एस ओ थ्री एस एन सी एल टू प्लस एस एन सी एल फोर एक नंबर को चेंज कर रहे हैं आप हम ये सारे एग्जाम्पल उसी के हैं एन ओ प्लस एन ओ टू है, NO है क्या नहीं है तो आपने एक नंबर चेंज कर रहे हो आप इसका देखो एक से दो एक से दो दो से तीन दो से चार एक से दो चेंज एक को कर रहे हो एक को चेंज नहीं कर रहे हो ऐसा ऑप्शन कौन सा है C प्लस ओ टू सी ओ टू बना है सी ओ सी ओ और सी ओ टू ये क्लोरिन एटम ही बदल गया एटम बदल गया यहाँ ड्यूटेरियम हो गया ये तो भारी जल हो गया एम जी ओ एम जी भी है यहां पर ये ओ है यहाँ ओ OH एच है तो अलग अलग है सब कुछ फर्स्ट ऑप्शन इस मल्टीपल प्रपोशन शुरू को रिप्रेजेंट करता है ए इज द राइट आंसर बेटा ए इज द राइट आंसर देखो समझोगे कंसेप्ट आप तो आनंद आएगा है कि नहीं एग्ज़ाम आप ही का है आप ही को देना है आपके ही फायदे की चीज़ें बता रहा हूं मुझे क्या करना इन चीज़ों से है नहीं तो थोड़ा सा कंसनट्रेट रहेगी आप और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बेटा पेपर चालीस क्वेश्चन थे तो टाइम तो लगना ही है एक रिएक्शन दे रखी है आपको देखिए ए एक ग्राम में जीरो पॉइंट पाँच ग्राम बी मिलाया गया है तो देखो बेटा एक तो ए है क्या है ए है जो कितना ग्राम है सुनना समझना एक ए है ए को किसके साथ मिलाया गया है बी के साथ और उससे क्या बन रहा है और सी और डी बन रहा है अब ये देखिएगा ए कितना ग्राम है एक ग्राम है और बी कितना गए पॉइंट पाँच है तो कुल मिला के कितना ग्राम हो गया दोनों का डेढ़ ग्राम हो गया ठीक है सर सी कितना ग्राम है तो सी का आपका ग्राम है कितना सी का ग्राम है पॉइंट दो तो सी का ग्राम है पॉइंट दो ग्राम है और डी का कितना ग्राम है एक पॉइंट तीन ये डी आना चाहिए था सी के बाद में डी आना चाहिए था यहाँ डी डी आना चाहिए था तो डी कितना है तो डी यहाँ पर एक पॉइंट तीन ग्राम है तो इधर देखो दो और एक पॉइंट तीन मतलब इधर भी डेढ़ हो रहा है ग्राम, वन वन फिफ्टी फाइव ग्राम और इधर भी कितना हो रहा है वन फाइव ग्राम, इंग्लिश में भी ऐसा ही है जीरो पॉइंट फाइव ग्राम ए इज प्रजेंट इन दन ग्राम ऑफ द बी विच टूगेदर्स फॉर्म इज द जीरो पॉइंट सी जीरो पॉइंट टू ग्राम सी एंड पॉइंट थ्री डी देन विच रूल्स अप्लाइज इन द अबो केमिकल रिएक्शन किस चीज को समझाना चाहता है इधर भी 1.5 है इधर भी 1.5 है मास इज द इक्वल मास कंजर्वेशन लोग को समझाना चाहता है मास कंजर्वेशन लोग को समझाना चाहता है मास कंजर्वेशन लोग को समझाना चाहता है मास कंजर्वेशन लोग को समझाना चाहता है, चाहता है. The, अरे एक कैसे कर रहे हो भाई व्यक्त अनुपात कैसे कर रहे हो तुम ये ये अलग है भाई हाँ क्यूशन ये अलग है भाई ठीक चलिए तो यहां पर व्यतक्रम अनुपात का नियम नहीं है दर्योमान संरक्षण का है मास अमाउंट इक्वल है तो यहां पर आंसर सी करेंगे बटा थर्ड आंसर आएगा ये क्या कर दिया इसमें मैंने थर्ड करना थर्ड 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 इंग्लिश में थर्ड करना दोनों में है दोनों में थर्ड ही है दोनों में थर्ड ही है ओके चलिए अगला देखिए सेवनटी वन नंबर निम्न में से कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम को प्रदर्शित करता है गुणित अनुपात का मतलब अभी बताया था मैंने किसी एक एटम को चेंज मतलब नंबर को चेंज कर रहा हो एन एन सही है एच एटम ही चेंज कर दिया एच एस एटम ही चेंज हो गया सी यू ओ और सी यू टू ओ इसी में आपको एक नंबर को चेंज देखो ऑक्सीजन को चेंज नहीं कर रहा तो ये समझ लो कॉपर को कर रहा है मल्टीपल प्रोपोर्शन तो यही है सी कर देंगे यहाँ तो कार्बन सल्फर अलग हो गया ये तो सारी कहानी बदल गई तो मल्टीपल प्रपोशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना बेटा येड विडो हाँ जी सी आंसर करेंगे इसका यस यस हितेश झुंझूराम अंशुल धर्मवीर बेटा सही आंसर है आगे देखिए अगला देखिए अगला अच्छा क्वेश्चन है एक मोलर विलियन वो होता है जिसमें एक मोल विलियन घुला होता है देखिए दो तीन प्रकार के विलियन होते हैं काफ़ी बार मैंने बताया है एक होता है मोलर विलियन मोलर का विलियन इसका लिंक मोलरता से है किससे लिंक है इसका मोलरता से है मोलरता का मतलब होता है मोलिटी मोलिटी ठीक है इसको मोलर भी कह सकते हो आप और मोलर मोलिटी आपको पता है वन लीटर सोल्यूशन का होता है वन लीटर वन लीटर सोल्यूशन आता है पूरा पूरा सोल्यूशन समझे तो एक लीटर पूरा विलियन आता है एक लीटर पूरा पूरा विलियन आता है ये तो मोलर की कहानी है अगर आपको ये आ जाता है कि एक मोलल मोलल तो मोलल को मोलल कर देंगे और वो मोलिटी के लिए आता है किसके लिए आता है मोलिलिटी मोललता है ना तो वो कितना होता है वो एक केजी, पर वहां के जी बट केवल सोलवेंट होता है और सोलवेंट बोले तो वन के जी क्या होता है केवल विलायक पानी पानी की मात्रा आती है विलायक विलायक आता है तो आप देख लीजिए खुद ही मोलर विलियन में जो एक मोल होता है वो कितने में होता है तो एक लीटर विलियन में होता है एक लीटर विलियन में एक लीटर विलियन की जगह चाहता तो मैं एक लीटर की जगह हजार एम एल भी लिखा जा सकता है एक ही बात है हज़ार एम एल ही एक लीटर होता है ये भी लिखा जा सकता है तो एक ही चीज़ है ना या 100 ग्राम जो विलायक है वो किसके लिए है वो अगर आंसर आता मोलल के लिए तो आंसर मोलल के लिए चला जाता ये ठीक है बेटा मोलल के लिए चला जाता एक लीटर विलायक होता ही नहीं है बाइस पॉइंट चार लीटर विलियन ये भी नहीं होता ये तो मोल कॉन्सेप्ट में काम में आने वाली चीज है ये लो जी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ गए चार पॉइंट चार ग्राम सीओ टू में ऑक्सीजन के परमाणु गजब क्वेश्चन था थोड़ा सा दिमाग आप में है तो आपने आंसर कर दिया होगा परमाणु की संख्या पूछी है सीओ टू में और एजिटिव क्वेश्चन लिखवा रखा है आपको कॉपी में आओ देखो सोल्व करते हैं इसको आओ देखो सोल्व करते हैं इसको आओ देखो सोल्व करते हैं इसको देखिए बेटा जी इधर देखिए इधर सोल्व कर रहा हूँ एक बॉक्स में बॉक्स बना के सोल्व करेंगे इसको देखो ध्यान से देखना इसमें समझने की कोशिश करना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर मत कहना सर हुआ नियम से देखिए पहले सबसे पहले आपको आपको निकालने होंगे जो मात्र दे रखिए चार पॉइंट चार ये ग्राम मात्रा ये डब्लू है सी टू का आपको एम पता होना चाहिए बच्चे बच्चे को एम पता होगा सी टू का एम कैसे निकालते हैं कार्बन का जो मास होता है छः नंबर की वजह से बारह हो गया ऑक्सीजन का आठ नंबर है सोलह हो गया पर दो जनों का बत्तीस हो गया टोटल किया तो फोर्टी फोर ग्राम होता है एक मोल का वैसे तो ये मास होता है एक मोल का ठीक तो ये पता चल गया एम ये इसका क्या है एम तो मैं कहा कि मैंने मोल निकालने पड़ते हैं सबसे पहले मोल इज द एन तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है चार पॉइंट चार है और डिवाइड करना है फोर्टी फोर से तो बेटा डिवाइड करने से ये नंबर हटना है डेसिमल का तो जीरो आना है नीचे तो फोर्टी फोर से कट गया वन पॉइंट टेन आ गया कितना आया वन पॉइंट टेन का मीन्स मैं ये भी तो लिख सकता हूँ पॉइंट वन मोल कितना मोल है ये पॉइंट वन मोल भी तो लिख सकता हूँ और आपको पता है पॉइंट वन मोल है या वन अपॉइंट टेन भी लिख लो चल जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं वन अपॉइंट टेन लिख लो कोई दिक्कत नहीं है ना वन अपॉइंट टेन मोल लिख लो कोई दिक्कत नहीं है आइए अब समझिएगा समझिएगा अब इसमें अगर मोलिक्यूल्स निकालने हैं मोल में तो मैंने कहा था कौन से नंबर से गुणा करना है अगर किसी में मोलिक्यूल्स चेक करने हैं मोलिक्यूल्स का मतलब अणु की संख्या चेक करने हैं तो आपको बताया था मैंने कि एक मोल में एक मोल कोई नंबर है एक मोल कोई नंबर है तो उसमें एक नंबर होता है छः पॉइंट जीरो दो दो टेन की पावर ट्वेंटी थ्री होता है जिसको आप एन ए भी कहते हो तो आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो किससे इससे तो यहाँ एक नंबर होगा एन ए उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मोलिक्यूल्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे बेटा मोलिक्यूल्स और एक सी ओ टू को देखिए एक सी ओ टू में कितने एटम हैं तो एक सी ओ टू को देखोगे तो एक तो कार्बन है और दो ऑक्सीजन है कुल मिला के कितने एटम है कुल मिला के उसमें तीन एटम है कितने एटम है बेटा तीन एटम तो आप तीन से और मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए थी सिक्स पॉइंट जीरो तब जाके एटम आएंगे तो पहले तो मोल निकालिए एन ए से गुणा कीजिएगा और एटम कितने तीन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये दस मतलब एक जीरो है बाईस तेवीस में से एक जीरो कट जाएगी तो बाईस बचेगा और यहाँ पर 22 बचेगा या रहने दीजिए अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे रख लीजिए तेईस का तेवीस ही छः को तीन से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा छः को तीन से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा छत्तीस अठारह हो जाएगा बेटा छत्ती कितना हो जाएगा अठारह अरे अरे सुनी, 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 सुनी। अरे सुनिए 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 देखिए भैया अरे केवल ऑक्सीजन के परमाणु पूछ रहा है थोड़ा सुनिए ऑक्सीजन के परमाणु पूछ रहा है टोटल तीन है ऑक्सीजन दो ही है बेटा सॉरी बेटा ना ऑक्सीजन परमाणु दो ही है ऑक्सीजन परमाणु दो ही है तो तीन से गुणा नहीं करना है कितने से गुणा करना है दो से ही गुणा करना है सॉरी भाई पूरे परमाणु पूछते तो तीन से गुणा करते ऑक्सीजन तो दो ही है ना तो दो से ही करेंगे बेटा दो से गुणा करने पर कितना आएगा दो से गुणा करेंगे छः को बारह बारह पॉइंट जीरो चार चार गुणा दस की घात तेवीस और आपको पता अभी भी दस नीचे है मैंने ठाया नहीं था इसको दस को क्योंकि बाई तेईस के तेवीस रख लिए मैंने दस का भाग दूंगा बारह में तो एक पॉइंट दो हो जाएगा और दस की घात तेवीस का तेईस ही रह जाएगा ये ऑप्शन देख लो परमाणु आएंगे वो काय के है ऑक्सीजन के बेटा ऑक्सीजन के पूरे नहीं है ऑक्सीजन के तो वो ऑप्शन कौन सा आएगा पहला ऑप्शन आएगा बेटा इसमें कौन सा आएगा बेटा पहला बेटा आंसर पहला आएगा इसमें क्या आएगा पहला एक पॉइंट दो दस की घात तेईस आएगा बेटा पहला समझे क्या कुछ अरे आया समझ में कुछ देखो पहले तो मोल निकाले ने मोल आ गए एक बटा दस और अवगाधरो संख्या से गुणा कर दिया तो अणु आ गए अणु आ गए इस संख्या से गुणा करने पर ठीक है और आपको देखा तो परमाणु कितने हैं तो एक अणु के अंदर सीओ टू के अंदर देखा तो ऑक्सीजन के दो परमाणु है तो दो से और गुणा करना पड़ेगा तो एक बटा दस एन ए और दो से गुणा करने पर आएगा बारह दस की घात तेईस पर नीचे जो दस है उस दस का भाग दूंगा तो वापस से एक पॉइंट दो दस की घात तेवीस हो जाएगा अगर किसी को डाउट हो तो बता दीजिए आगे चलते हैं बता दीजिए जल्दी से फटाफट से आगे चलिए क्वेश्चन है एस टी पी पर चार पॉइंट चार ग्राम सी ओ टू पर घेरा गया आयतन वही क्वेश्चन है बस मोल निकालिए और आयतन बता दीजिए मोल निकालेंगे हर किसी के लिए आपको मोल तो निकालना ही पड़ेगा तो पहला काम मोल का है बेटा मोल निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है फोर्टी फोर 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 पॉइंट फोर और एम अभी बताया था सी ओ टू का फोर्टी फोर इसको हटाएंगे तो नीचे दस लगना है फोर्टी फोर से फोर्टी फोर कट गया एक बटे दस मोल आ गए बेटा अभी भी आए थे पहले भी वही है वही है आपको पता है एक मोल का वॉल्यूम आयतन पूछा है जितना पूछा है उतना बताइए एक मोल का वॉल्यूम बाईस पोंट कितना होता है चार लीटर गैस कोई भी गैस हो सकती है वो ये गैस ही तो है सीओ टू एस टी पी के अंदर तो एक मोल का बाईस पोइंट चार होता है कितना मोल है एक बटा दस मोल है तो गुणा कर दीजिए एक बटा दस से तो एक बटा दस से गुणा करने का मतलब है बाईस पॉइंट चार को ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर को आपको दस से मल्टी डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का मतलब है ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो आंसर आएगा दो टू पॉइंट टू फोर लीटर कौन सा ऑप्शन आ गया सेकेंड इज राइट आंसर सेकेंड इज राइट आंसर अरे आराना समझ में सेकेंड इज राइट आंसर आगे बढ़ जाइए एक कमरे के ताप पर जल की एक बूंद में जल के अणु की संख्या बता दो जल की बूंद में आपको मिलीग्राम मात्रा दे रखी है आयतन दे रखा है आपको ठीक है क्या दे रखा है आयतन दे रखा है आपको अणु की संख्या बतानी है क्या बतानी अणु की संख्या बतानी है आपको मैंने बता भी रखा है जल के लिए कहानी है जल के लिए जितना एम होता है उतना ही ग्राम होता है तो मैं इसको आप आयतन को मात्रा मान सकता हूँ और कितनी मान सकता हूँ जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक आठ एम को ग्राम एक एमएल में एक ग्राम बताया नहीं था कि मैंने पानी के लिए एक ग्राम कितने के बराबर होता है एक के बराबर होता है ये कर सकते हो ना आप ठीक है ओके कमरे के ताप पर जल की बूंद है तो कमरे के ताप पर जल की बूंद जो होती है एक ग्राम एक एम के बराबर होती है तो ये भी ग्राम में बदल लिया मैंने इसको और मात्रा जब आ गई तो मोल्स निकाल लीजिए डब्ल्यू अपन एम आपको डब्ल्यू ये रहा कितना है ये रहा ग्राम में तो ग्राम में रख लीजिए इसको आप इसको ऐसे कीजिए ये पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे चार जीरो ऐसे रखो ना पहले ऐसे रहने दो अभी बाद में उठाएंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो एक आठ और कितने का भाग एम वोटर एच टू का सूत्र वोटर का सूत्र होता है एच टू ओ और एच टू का अनुभार जो होता है हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का सोलह अट्ठारह होता है बेटा कितना होता है अट्ठारह ग्राम तो कितने का भाग देंगे अट्ठारह का भाग देंगे तो ये आपको पता है इस संख्या को हटाएंगे डेसिमल को तो नीचे चार जीरो आनी है और अठारह से अट्ठारह कट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है पर चार जीरो तो बची गई ना अब चार जीरो का मतलब है दस की घात चार और दस की घात चार जब ऊपर जाएगी ना बेटा तो माइनस के चार आएंगे ये मोल में आ गया आंसर और आपको पता है एक मोल के नंबर कितने होते हैं एक मोल के नंबर होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टें पावर ट्वेंटी थ्री अणु अणु बोले तो मोलिक्यूल्स ऑफ बैच टू मोलिक्यूल्स ऑफ बैच टू होते हैं आया कितना मोल है दस की घात चार है तो जो भी मोल आया है उस मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कर दीजिए मल्टीप्लाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री जब भी बेसेज सेम होते हैं आधार समान होते हैं घाते जुड़ जाती है आपको बताइए माइनस का है ये तेवीस प्लस का है तेईस में से चार कम किया तो उन्नीस बच गया बाकी संख्या चेंज होगी नहीं तो नाइनटीन आंसर आ जाएगा इसका नाइनटीन मोलिक्यूल्स आंसर आएगा इसका वोटर के इतने मोलिक्यूल्स है अगर ऑप्शन में है तो देखिएगा उन्नीस मोलिक्यूल्स है फर्स्ट आंसर आ जाएगा बड़ा आसान है भाई बड़ा आसान है छः पॉइंट जीरो दस की खात उन्नीस बेटा अठारह नहीं आएगा उन्नीस आएगा बेटा क्या आएगा बेटा उन्नीस आएगा बी नहीं ए आएगा बेटा आंसर हाँ इसका आंसर आप दोबारा आराम से पीछे करके क्लास को देख सकते हो आनंद से मज़े से देख सकते हो कोई तकलीफ वाली बात है नहीं बेटा इसमें है क्या कोई आगे आ जाओ अभी क्वेश्चन और अपने पास देखिए एक लीटर जल में अणुओं की संख्या बता दीजिए एक लीटर जल में अणुओं की संख्या बता दीजिए एक लीटर मतलब शुद्ध के लिए मैंने बताया भी था आपको एक लीटर है तो वो एक किलो भी है एक किलो है और एक किलो मतलब हजार ग्राम है वो क्या है हज़ार ग्राम है और हज़ार ग्राम है मतलब हज़ार एम एल भी है तो एक लीटर जल के अंदर मतलब अणु बताने हैं आपको सिंपल सी बात है तो एक ग्राम मैंने कहा एक किलो को आप हजार ग्राम कह सकते हो और आपको है सबसे पहले मोल निकालते हैं मोल का मतलब एन डब्लू अपन क्या होता है एम आपका अमाउंट एक किलो मतलब हज़ार ग्राम रख दिया आपने क्योंकि ग्राम के बिना सोल नहीं होगा डब्लू हमेशा ग्राम में आता है और एच टू का सूत्र मैंने बताया पानी एच टू ओ अट्ठारह अनुभार इसका होता है तो अट्ठारह ग्राम परमोल का होता है अट्ठारह का डिवाइड करेंगे आप अठारह का डिवाइड करोगे आप तो अट्ठारह से डिवाइड करते हैं हज़ार को तो यहाँ पर आंसर आता है पचपन पॉइंट पाँच मोल पचपन पॉइंट पाँच मोल आता है और आपको पता है एक मोल में कितना नंबर होता है एक मोल में एन ए नंबर होता है तो आप एन ए भी लगा सकते हो यहाँ तो पचपन पॉइंट पाँच को मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए से पचपन पॉइंट पाँच मोल जो है इसके मोलिक्यूल्स निकालने हैं आपको मोलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ एच टू निकालने हैं तो पचपन पॉइंट पाँच को कितने से गुणा कर देंगे पचपन पॉइंट पाँच को एन ए से गुणा कर देंगे ऑप्शन मिल जाएगा ऐसा का ऐसा हाँ मतलब पाँच पाँच आता जाएगा वो तो तो आंसर कर देंगे चार नंबर आंसर कर देंगे बेटा चार नंबर कितना कर देंगे चार नंबर वेरी गुड जिनका भी डी आंसर है बिल्कुल ठीक आंसर है डी अगला चलिए एक मोल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए हाइड्रोजन अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपको मोल दे रखा है एक मोल और एक मोल में आपको अगर अणु में तो एन ए एच टू है कितने एच टू है एन ए एच टू है एन ए का मतलब होता है एक मोल का मतलब कितने नंबर है छः पॉइंट जीरो दो दो दस की घात तेवीस नंबर है कितना है भाई दस की घात तेईस नंबर है किसके एच टू ओ मोलिक्यूल्स की अब एच टू ओ मोलिक्यूल्स को देखिए एच टू मतलब अणु है ये और दो ऐस से मिलकर बना है दो ऐस से मिलकर बना है अब आप बात करें एक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो बड़ा एक में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दो में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दो तो यानी जो भी नंबर है मोलिक्यूल्स के उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये दोनों में तो मल्टीप्लाई हो गया है दस की घात तेईस अब इलेक्ट्रॉन हो गए अरे जब मैंने कहा एक के अंदर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है दो एक मॉलिक्यूल ऑफ एच टू ओ एक मॉलिक्यूल ऑफ एच टू ओ में आपके मॉलिक्यूल्स में एच टू में कितने इलेक्ट्रॉन है दो है तो जितने मोलिक्यूल होते दो से मल्टीप्लाई कर दिया दो से मल्टीप्लाई करने पर यह आ गया बारह हो गया यहाँ पर तो बारह पॉइंट जीरो चार चार दस की घात तेईस इलेक्ट्रॉन रख लेंगे इसको अगर ऐसा ऑप्शन में है तो ठीक है कभी कभी इसको चेंज भी करना पड़ता है चेंज करने में इस नंबर को छोटा करेंगे इस नंबर को छोटा करेंगे तो एक पॉइंट दो हो जाएगा और एक पॉइंट दो तो घाते इधर बढ़ जाती है तो चौबीस कर देते हैं ऐसा भी कर देते हैं अगर ऑप्शन में जैसा होता है वैसा कर देंगे ऐसा है नहीं पहले वाला ही आंसर है तो यहाँ पर बीज द राइट आंसर कर देंगे सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा बेटा सेकेंड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला देखिए अधिकतम अणुओं की संख्या गजब क्वेश्चन है भाई गजब सीधा सा क्वेश्चन बनाया था अणुओं की संख्या ज़्यादा निकालनी है किसी में अणु ज़्यादा निकालने हैं तो सबसे पहले वही कहा मैंने कि मोल निकाल लो पहले क्या निकाल लो बेटा मोल निकाल लो मोल निकल गए तो सब कुछ निकल जाएगा आ जाइए अपने पास क्या क्या है छत्तीस ग्राम वोटर है आइए देखिए छत्तीस ग्राम वोटर का निकालते हैं एच पहले ए ऑप्शन कर रहा हूँ मैं एक को 36 ग्राम वोटर में आपको मोल्स निकालने हैं तो डब्ल्यू ओपोन क्या होता है एम होता है डब्लू ओपोन एम में डब्ल्यू कितना है छत्तीस है और वोटर का अनुभार बार बार कह रहा हूँ अट्ठारह होता है अट्ठारह होता है अट्ठारह होता है तो डिवाइड कर दिया कितना आ गया टू मोल आगे देखिए तीसरा ऑप्शन भी कर रहा हूँ यहीं पर 32 ग्राम ऑफ मिथाइल मिथेनॉल सी एस थ्री ओ एच मिथेनॉल का सूत्र ये रहा कार्बन का अनुभार होता है बेटा 12 हाइड्रोजन का एक का एक तीन का तीन ऑक्सीजन का होता है सोलह और हाइड्रोजन का होता है एक सोलह एक सत्रह हो गए सत्रह और तीन हो गए बीस बीस और बारह कितना हो गया बीस और बारह बत्तीस हो गया बेटा बत्तीस हो गया बेटा तो एक अणुभार बत्तीस होता है तो यहां पर यहाँ करेंगे बत्तीस ग्राम ओप मिथेनोल सी एच थ्री ओ एच वही आपको मोल निकालने हैं तो मोल का सूत्र होता है W अपोन एम तो एन बराबर डब्ल्यू अपोन एम करेंगे W कितना है क्वेश्चन में दे रखा है थर्टी टू और अभी अभी हमने मास भी निकाल के देख लिया वो भी थर्टी टू थर्टी टू से थर्टी टू वन आ गया वन मोल दो मोल वन मोल सभी को करना पड़ेगा चारों को आइए दूसरे को सोल्व करते हैं दूसरे में कितना है ट्वेंटी टू ग्राम्स ऑफ सी ओ टू तो वही क्या करेंगे डब्ल्यू डब्लू करेंगे इसमें सॉरी एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम करेंगे मोल्स के नंबर ये रहे कितने हैं बाईस है अमाउंट तो सी ओ टू का भार बताया था कितनी बार बता चुका हूँ चार बार हो चुका है ये चम्बालिस ग्राम होता है तो चम्बालिस का भाग देंगे जब चम्बालिस का बाईस में भाग देंगे तो ये तो बाईस से कट गया एक बटा दो मोल आ गया आप तो मोल निकाल लो आप तो मोल निकाल लो और देखो यहाँ क्या है ग्राम लिखा हुआ है जी कन्वर्ट हो गया थोड़ा सा तो फिफ्टी फोर ग्राम ऑफ एन टू फाइव एन टू नाइट्रोजन फाइव है नाइट्रोजन फाइव में देखेंगे तो नाइट्रोजन का मास एक का कितना होता है चौदह होता है दो का कितना हो गया अट्ठाईस ग्राम और ऑक्सीजन का होता है एक का सोलह 16. तो बताइए सोलह सौ चौसठ सोल, सोल पंजी अस्सी 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 और अट्ठाईस एक सौ आठ हो गया एक सौ आठ तो बताइए क्या करेंगे मोल निकालने के लिए मोल निकालने का सूत्र होता है W अपॉन एम W अपॉन एम में W मात्रा क्यूशन में यहां गिवन होती है 54 फोर यहां एक सौ आठ और चौवन एक सौ आठ का मिज साफ साफ नजर आ रहा है बिल्कुल डबल है तो एक बटा दो मोल आप ये देख लो हाफ मोल हाफ मोल वन मोल और टू मोल ज़्यादा कौन सा है वो ही आंसर है अगर मोल ज़्यादा है तो मोलिक्यूल भी ज़्यादा ही आएंगे अगर मोल ज़्यादा है तो मोलिक्यूल भी ज़्यादा ही आएंगे कन्फर्म है मोल ज़्यादा तो मोलिक्यूल ज़्यादा सीधा सा कंसेप्ट है सीधा इस कंसेप्ट है क्योंकि सबको एन ए से गुणा करोगे ना आप एन ए से गुणा करने पर वो तो यही ज्यादा होना है यही ज्यादा होना है एन ए तो इक्वल वैल्यूज होती है ये दो क्वेश्चन हो रहा है छोटे छोटे न एन यू एच परसेंटेज सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए मैंने सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए मैंने पांच गलत हो गए अरे भाई गलत मत करो भाई गलत मत करो बेटा यस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एन यू एच कैसे निकालते परसेंटेज तो परसेंटेज आपको पता है एनिवर्स की परसेंटेज में ऑक्सीजन का निकालना है तो बता क्या करते हैं परसेंटेज के लिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा मास ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ अगर एटम है तो एटम्स जो भी एटम उसके नंबर लिखेंगे ऑक्सीजन के एटम जितने भी है और टोटल मास नीचे जिसको कहते हैं मोलर मास मोलिक्यूल्स का मास पूरा पूरा नीचे और परसेंटेज निकालने तो हंड्रेड भी रखेंगे परसेंटेज निकालने हंड्रेड भी रखेंगे ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बता रखा है बच्चे बच्चे को पता है सोलह होता है और ऑक्सीजन है भी अकेला तो अकेला ऑक्सीजन है कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज के लिए सौ आएगा और टोटल मास की बात करें एन की तो एन का जो होता है तेईस और हाइड्रोजन का एक तेईस एक चौबीस हो गया और सोलह को जोड़ेंगे तो चालीस हो गया टोटली चालीस हो गया चालीस हो गया भाई चालीस हो गया है ना जीरो से जीरो कट गया ये कट गया चार से सोलह चार टाइम चार को दस से गुणा चालीस परसेंटेज आंसर आ गया सीधा था बड़ा आसान था कोई दिक्कत नहीं है चालीस परसेंट आंसर आ गया फर्स्ट टीचर राइट आंसर फर्स्ट टीचर राइट आंसर आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप फर्स्ट टीचर राइट आंसर यस आंसर आएगा इसका चालीस और अंतिम क्वेश्चन यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज सभी को वैसे डायरेक्टली पता होगा निकालते कैसे हैं आपको बताना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन तो इसके लिए मास ऑफ नाइट्रोजन आएगा मास ऑफ नाइट्रोजन अणुभार नाइट्रोजन का और एटम कितने हैं वो और सौ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और टोटल मतलब मोलर मास ऑफ यूरिया टोटल मोलर मास ऑफ यूरिया यूरिया का पूरा पूरा मास कितना है यह आपको रखना है तो देखिए यूरिया का सूत्र होता है एन एच टू सी ओ एन एच टू सी ओ एन एच टू ये फॉर्मूला है इस केस में नाइट्रोजन कितना है एक और एक दो है तो नाइट्रोजन का मास तो होता तो वैसे सात नंबर पे आता है डबल होता है चौदह होता है तो मास चौदह पर दो एटम है और परसेंटेज सो और नीचे कितना आएगा टोटल मोलर मास निकालेंगे नाइट्रोजन का मैंने कहा चौदह होता है हाइड्रोजन का एक का एक दो हो गया सी का होता है बारह का ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन नाइट्रोजन का वही फोर्टीन हाइड्रोजन का वही दो सबको टोटल कर देंगे दो दो चार ये बीस हो गया बीस हो गया ये चौदह चौदह अट्ठाइस हो गया अट्ठाइस और बारह चालीस और बीस साठ हो गया बेटा साठ ग्राम परमोल हो गया ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली तो साठ का भाग करेंगे इसमें जीरो से जीरो कट गया यहाँ से डिवाइड किया तीन हो गया ऊपर हो गया एक सौ चालीस तीन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टाइम चार से डिवाइड हो गया फिर रिमेनिंग बच्चा दो ट्वेंटी छत्तीस अट्ठारह फिर दो फिर छत्तीस अट्ठारह छ छ आ रहा है तो फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन परसेंटेज एकूरेट एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो और वैसे आंसर फोर्टी सिक्स परसेंटेज कर सकते हो इज द राइट आंसर यह आपका था तबादा पेपर अब बता दो कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको ठीक है तो आपने देखा आपका पेपर हो गया कंप्लीट जल्दी से बता दो किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए बेटा अभी पूछ लीजिए क्लास देखने के लिए सभी को थैंक यू जल्दी से आप पूछ सकते हो मेरे को आंसर किसी भी क्वेश्चन का अभी अगर कोई समझना है कोई डाउट है किसी को भी तो अभी बता दीजिए बेटा यस yes, बेटा जी राजधानी बेटा सरोज आज आपका संडे को जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन हो चुका है जितने क्वेश्चन से फोर्टी क्वेश्चन अपने लगभग एक घंटे और पच्चीस मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं है ना सिक्सटी फाइव में दिक्कत है सिक्सटी फाइव में क्या दिक्कत आई बेटा हाँ बता दीजिए दिक्कत है वो है ना देख लेंगे है ना 65 इसमें देखना है सिग्निफिकेंट नंबर देखने बेटा तो देखिए डेसिमल वाले नंबर जब भी होते हैं तो डेसिमल वाले नंबर में एक रूल लगता है क्या रूल होता है समझिएगा समझिएगा यहाँ पर डेसिमल वाला नंबर जैसे तीन पॉइंट एक चार हो सकता है तीन पॉइंट एक चार के आगे जीरो हो सकता है तीन पॉइंट जीरो चार के आगे आगे जीरो हो सकता है और ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो ज़ीरो है एक पाँच है दसमलवों वाली संख्याएँ सारी है। इसके लिए रूल है अलग से जब भी कोई दसमलवों वाली संख्या होती है तो उनमें उनमें आगे वाले जीरो को काउंट नहीं करते पीछे वाले को करते हैं ये नंबर है तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है तीन इसमें है जीरो को काउंट करेंगे पीछे इसलिए चार इसमें जीरो आगे काउंट नहीं करेंगे तो तीन इसमें देखिए आगे जीरो है नहीं करेंगे ये करेंगे तो कितने हैं दो ये रूल है नियम है रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से काम करेंगे है ना ठीक है पैंसठ के बाद सत्तर और बयालीस सत्तर नंबर देखिए सत्तर नंबर देखिए बेटा क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक पदार्थ ए है एक पदार्थ बी है वो मिलकर सी और डी बना रहे हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है पेपर में तो कितना कितना लिखा हुआ है सुनिए एक ए है और एक बी है मिलकर बना रहे हैं सी और डी जिसमें ए का अमाउंट दे रखा है एक ग्राम ये दे रखा है पॉइंट ग्राम जिसमें से सी दे रखा है पॉइंट तीन ग्राम और ये दे रखा है एक पॉइंट दो ग्राम इससे साफ साफ पता चलता है इधर मिलाओगे तो इधर कितना हो रहा है एक पॉइंट ग्राम हो रहा है और इधर दोनों को मिलाओगे एक पॉइंट ग्राम हो रहा है ये समझाना चाहता है कि जितना अमाउंट आपने ए बी को लिया उतना ही सी डी बना मतलब जितना आप रिएक्टेंट लेते हो उतना ही प्रोडक्ट बनता है यानी मास हमेशा कंजर्व रहता है दरमान हमेशा बराबर रहता है कभी नष्ट नहीं होता दरियोमान संरक्षण का नियम लेओशियर ने दिया था इस रिएक्शन से साफ साफ साबित होता है तो यहाँ दरियोमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है ठीक है बेटा ये सत्तर नंबर हो गया बयालीस वाला समझाना है लो जी बयालीस भी देख लेते एक बार और शुरू शुरू में था बयालीस नंबर ये राजी बयालीस नंबर में ये रिएक्शन मैंने लिखवा रखी है ए सी एल टू के विलियन के साथ में एस एन सी एल टू का अवक्षेप देता है ठीक है एस एन सी एल टू किसी से रिएक्शन करेगा और एस एन सी एल फोर का अवक्षेप देगा मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बाद में क्या देंगे अवक्षेप देंगे जो एस एन सी एल फोर दे रहे हैं यानी रिएक्शन ऐसी थी बेटा एस एन सी एल टू रिएक्शन करता है मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में और ये बनाता है एस एन सी एल फोर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको मैं डबल कर दूंगा डबल कर दूंगा तो ये मरकरी डबल ही रह जाएगा पर क्लोरीन की संख्या कम हो जाएगी देखो मरकरी यहाँ दो है यहाँ भी दो है क्लोरीन देख लीजिए यहाँ दो है परंतु यहाँ चार थे चार में से दो कहाँ चले गए इस क्लोरीन के पास क्योंकि क्लोरीन के पास इसके पास दो ही थे यहाँ चार हो गए सब कुछ बैलेंस है अगर क्लोरीन का चार्ज आपको पता है माइनस का एक है तो एक का एक होता है दो का दो माइनस होता है तो पड़ोसी का प्लस में होता है तो दो प्लस हो गया और यहां देखिए इसी प्रकार एक क्लोरीन का एक माइनस है तो दो का दो माइनस चार का चार माइनस तो पड़ोसी का चार प्लस ये से निकालते प्लस पड़ोसी का तो देखिए बेटा क्या हुआ तो यहां ऑक्सीकरण संख्या मैंने साफ साफ बता रखी है तुम्हें कि जब भी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीडेशन होता है जिसको आप कहते हो ऑक्सीकरण कहते हो जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो पक्का पक्का मैं कह रहा हूं पड़ोसी का अब चेनी होता है चेक करके टाइम खराब मत करना चेन होता है तो आपको चेक करना है कि किसने क्या किया है? तो किया है है तो तो बेटा इसने देखो यही पूछा था ऑप्शन ऑप्शन में ये रहा जी साफ़ करके देख लो आराम से इस क्रिया में क्या 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 हो हो रहा रहा है 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 किसका क्लोराइड का ये पूछा गया है. AgCl2 क्या करता है? इस प्रक्रिया में AgCl2 क्या ठीक है, तो क्या करता है? ओके okay. तो आपकी दिक्कतें पूरी हो गई होगी पीडीएफ क्या पेपर आंसर की मिल जाएगी इसकी आंसर मैंने सारे बता दिए क्या पीडीएफ चाहिए भाई इसमें नोट कर लो सारी चीज़ जो भी है बेटा है ना अब क्या पीडीएफ चाहिए भाई इसकी चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है बाकी बात अगली क्लास में करेंगे ओके थैंक यू जय हिंद जय राजधानी